हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको पार्ट देने जा रहा हूँ उसमें ये है साइंस का पार्ट, जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको केवल इसमें रटना है, क्योंकि जो मैं इस पार्ट दे रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिशन में, चाहे आप PCS दे रहे हों, चाहे RO दे रहे हों, चाहे रेलवे दे रहे हों, या अदर कोई एग्ज़ाम SSC जैसे हैं। तो उसमें अगर साइंस क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली है कि वो रिपीट होते हैं। तो मैंने आज ऐसा कलेक्शन इसमें दिया हुआ है जो कहीं ना कहीं पेपर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें आप याद रखिएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल रटना है। आप अगर रट नहीं पा रहे इसको एक बार में, तो आप इसको एक शॉर्ट नोट पे अपने पेज पे कोई लिख लीजिए, फिर इसको आप बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, या इस वीडियो को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का जो पिता है अरस्तु को बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जो जनक कहलाते हैं वो है लैमार्क। जैव विज्ञान विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। फिर है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक जिसको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाम जो मैं इसमें दिए हुए हैं बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में, SSC के पेपर में। लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? लेवोजियर को। फिर है, अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती हैं वो होती है 8। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वो 16 से 18 बार है। फिर है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम, मतलब 1 किलो 350 ग्राम। फिर हम लोग देखते हैं शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर कहलाती है, जो कि जांघ में होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, इसमें नहीं दिया, लेकिन कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वह एनामिल, जो कि हमारे दांतों के ऊपर लगा होता है, जो आवरण होता है दांत के ऊपर। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है जो जो कहलाता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। और शरीर का जो ताप नियंत्रण है क्या कहलाता है? हाइपोथैलमस ग्रंथि द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा बहुत बार आया क्वेश्चन, यकृत लीवर को कहते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। मांसपेशियों की जो कुल संख्या लगभग 650 है। मस्तिष्क का बड़ा भाग, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। तो ये भी कई बार पूछा गया, इवन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में भी ये पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान को जो जनक है वो है लेबोजियर। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किया तो है ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था जॉन्स केपलर ने। और E इक्वल टू MC² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम को खोज किसने की थी? तो है गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं इस पे, तो आप प्लीज इस नाम को जरूर याद रखिएगा, उत्परिवर्तन की बात को। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें ह्यूगो डीब्रीज दिया हुआ है और डार्विन में, दोनों बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इन दोनों नाम को अलग अलग याद रखिएगा। इन्होंने दिया नेचुरल सिलेक्शन का और ह्यूगो डीब्रीज ने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत। फिर विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। फिर है अनुवांशिकता के जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। और जो मटर का जो पौधा है उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पाइसम स्टाइवम, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। फिर है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, तो ये पूछा जाता है जीन कहाँ पे होते हैं, तो याद रखिए गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बिडल एंड एवं टैटम ने। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, जो हमारे रक्त में मिलता है, खून थक्का नहीं जमाता हीमोफीलिया रोग में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हीपैरिन नामक प्रोटीन, तो
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं पेपर में, अक्सर देखे गए हैं। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक जो होता है वो कौन होता, किसमें होता है, वो है यकृत में, तो ये भी पूछा गया है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जब खून बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स इसमें मुख्य होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो ये भी कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, और रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। फिर है रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, और लोहे का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है Fe, F कैपिटल से होता है और E जो होता है वो स्मॉल से होता है। तो ये हो सकता है आपसे इस टाइप से पूछा जाए, लोहा ना देकर आपको ये सिंबल दे। तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। फिर है RBC का कब्रगाह, जिसको हम लोग शमशान बोलते हैं, वो है प्लीहा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह जो होते हैं ए बी, ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। तो आप लोग ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह मतलब जो सबको खून दे सकता है, तो वह है ग्रुप ओ, और सर्वग्राही जो सबसे खून ले सकता है वह ग्रुप है ए बी। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। ये भी क्वेश्चन आया है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर की। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 120 दिन का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लिकोसाइट, और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। RH फैक्टर का संबंध है किससे, रक्त से। RH फैक्टर खोजकर्ता, ये याद रखिएगा आप लोग, लैंड स्टीनर एवं वीनस को बोलते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है जो, इसको आप याद रखिएगा, तो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा आप लोग, शरीर से हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्त वाहिनी जो कहलाती है वो सिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, धमनी। तो आप लोग याद रखिएगा, शरीर से हृदय ऊपर वाले को बोलते हैं, और यहाँ पे हृदय से शरीर, तो याद रखिएगा शरीर इसमें पहले है, तो यहाँ पे सिरा है, और यहाँ पे हृदय से शरीर, फिर जो होगी बाकी वो धमनी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर है मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। फिर है वृक्क किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त एक विलयन है क्षारीय, और रक्त का जो पीएच है ये भी कई बार पूछा गया है, तो 7.4। फिर है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण लगा समय 23 सेकेंड होता है। दिल धड़कता है तो उससे जो खून का परिसंचरण होता है किसी बॉडी के पार्ट में वो 23 सेकेंड में हो जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण जो करता है वो है पेसमेकर। जरावीक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। तो इसके बारे में फ्रेंड्स पूछा गया है कि ये अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो आप ये याद रखिएगा कि पित्त द्रव जो होता है वो क्षारीय होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है वो है 7.7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ये, पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से, तो यकृति द्वारा। याद रखिएगा यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन, विटामिन ए। और पित्त जो बाइल जिसको बोलते हैं जमा होता है पित्ताशय में, ये भी पूछा जाता है। और पित्ताशय में कभी कभी जो ओंस हो जाती है, तो इसमें पित्ताशय को काट करके निकाल दिया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। विषाणु खोज किसने की थी, तो वह है इवा नोवस्की ने। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। और रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग, ये भी कई बार पूछा गया है, विषाणु के कारण।
तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाती है, शैवालों को जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो माइकोलॉजी कवक है और शैवालों का जो है वो फाइकोलॉजी है। फिर है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो वह है लिवेन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। तो आप याद रखिएगा क्योंकि मात्रक पूछे जाते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष इसको आप याद रखिएगा, कई बार आप लोग को याद नहीं रहता लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। 9.46 × 10^12 किलोमीटर या 9.46 × 10^15 मीटर या 9.46 × 10^15 मीटर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा पार्ट, इसके कई पार्ट हैं आप ले रहिएगा। तो इससे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे और निश्चित है कि जो जीएस का पार्ट होगा आपको कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको बहुत फायदा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।